रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्जुन का पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों, क्या हुआ दादी? जब किसी पौधे के आसपास खर पटवार बढ़ जाती है ना, तो वो पनप नहीं पाता है, इसलिए खर पटवार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। तेरे पास एक बेटा है, बाकी सब खर पटवार है। समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? सजीली, और अगर खर पटवार बहुत जीत हो तो? मेरी तरफ क्या घूर रही है छोकरी? मैंने कुछ नहीं किया, थोड़े से छले ही तो पड़े हैं, थोड़ी सी सुंदरता कम हो जाएगी, मुझे क्या पता किसने लगाई आग। मजा मारने में तो चूके नहीं तुम, तकलीफ में देख के मजा आ रहा है तुमको? तुमने लगाई ना कुंडी बाहर से? कैसी बात कर रही हो, मैं क्यों करूंगा? जाओ पानी दो उसको, पानी दो, दो। तुमने लगाई थी ना कुंडी बाहर से? जाओ यहां से। अच्छा है या गिरा दिया? तुमको तो चाहिए था ना कि चला जाए। मुझे क्या चाहिए इससे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब चला गया तो इसमें भगवान की मर्जी? क्या करते हैं? चलो निकलो यहाँ से, निकलो मादर।
खोल, दरवाजा खोल। क्या है? कुछ और ठोक नहीं सकते तो दरवाजा ठोक रहे हो? कितनी देर से अंदर क्या कर रही है? दुकान जाना है मुझे। नहा रहे और कपड़े भी धो रहे। तुम्हें तो पता ही है हम कैसे नहाते हैं। कौन अंदर? तुम्हें शर्म नहीं आती सब? एक पराई औरत नहा रही है, तुम उसे नंगा देखना चाहते हो? छी, बकवास बंद कर, खोल इसे। तुम्हें यही चाहिए था ना कि हमारा बच्चा ना हो। अब हम गुसल खाने में का कर रहे हैं, किसके साथ हैं, उससे तुम्हें का? खोल दरवाजा, साली चिन्ना, दरवाजा खोल भारा। का होगा वो? की पे चिल्ला रहे हो? वो बाथरूम में। हाँ, सजी ली है अंदर, कपड़ा धो रही है। तुम्हें का काम है उससे? दुकान नहीं जाना का? जाओ। लाइव टेलीकास्ट चालू होने वाला है साहब, मज्जा लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी जान, मैं बस अभी आया। जब तुमको चूमते थे तुम मुंह में कड़वाहट आती थी, इसे चूमते हैं तो मुंह में चॉकलेट का स्वाद आता है। निकल बाहर यहाँ से। छोड़िए, छोड़िए। निकल बाहर यहाँ से। गंदगी घर में घुस आ बैठी है और मैं इस गंदगी में अपने छोटे भाई को नहीं लिसंडे दूंगा। मैं नहीं चाहता इस गंदगी में मेरा बेटा बड़ा हो। निकल यहाँ से। अरे ओ ना सुकरे जी, खा तुम कूड़ादान बोल रहे हो ना? ओई की वजह से तुम्हारा बच्चा आज जिंदा है। और वैसे भी जब तुम उसके मज्जे ले रहे थे तब तो तुम्हें उस कूड़ेदान में बहुत खजाना मिलता था। तो उस काम वाली के चक्कर में मुझे सुना रही है? नीता, मेरा पोता बिल्कुल सही कदम उठा रहा है, मत रोक उसे। अगर सजली इस घर से गई ना तो सब बट जाएगा, घर का, दुकान का, सबका हिस्सा हो जाएगा। एक हिस्सा भाभी और भाई का और एक हिस्सा मेरा और सजली का। अरे तू पागल हो गया? इस रात के कारण अपने भाई से हिस्से बांटेगा? दादी, ये रात नहीं है, ये मेरी होने वाली पत्नी है। चिंता न कर, कल सुबह तक इस घर की सारी गंदगी दूर हो जाएगी। मैंने बगिया में अर्जुन के पेड़ के नीचे खड्डा खोद दिया है।
बाबा। हाँ दादी। इस कमीनी को मरता हुआ देखने की बड़ी तमन्ना है, कर ले तू अपना काम। ना अपनी तमन्ना दादी। आ जाओ दादी, मैं तुम्हें सुलाती हूँ, आ जाओ। बुढ़िया, अब देखो तमाशा। तमाशा तो तूने बना रखा है, मेरे एक पोते को तो पहले खराब करा, अब दूसरे के बिस्तर में घुसने लगी है। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आपको जगह मिलेगी क्या नरक में? तुम लोग भाई, आपके और दादी के इरादों का ना पता था। एक अजन्मे बच्चे की हत्या करके आपको लगा कि आप स्वर्ग जाएंगी? पागल हो गए हो तुम लोग। वो तेरी सौतन का बच्चा था। सजीली हमारी सौतन नहीं है। सखी है। सजीली, तो ठीक तो है? करण कहाँ है? तुमने आवाज दी ना, पालके में छोड़ के आए हैं। दीदी, हमको बहुत भूख लगी है। कहाँ मर गए? खाना लाने में इतनी देर? समझ नहीं आता तुम्हारा ध्यान कहाँ है। देखो, अगर ढंग से काम नहीं करोगे ना, तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, समझे? के नजदीकियों से सागर जलभंग रह गया। जैसे नीता ने वैभव को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, वैसे ही सजीली ने भी सागर का इस्तेमाल करके अपना पल्लू झाड़ लिया। सागर
और वैभव को फिर वहां कभी देखा नहीं गया। नीता और सुजीली को इस तरह साथ रहते देखकर क्या क्या नाम दिए गए, पर ये दोनों अपने बच्चों करण और अर्जुन के साथ बेपरवाह होकर जिंदगी बिताने लगी। लोग कुछ भी कहते रहे इनकी बला से। अब ये गंदी बात है तो है।